अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बब्बन खाला के बेटियों के एपिसोड नंबर 47 की दोस्तों मिस्टेक निकालने वाले हैं। तो व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल के आइकन को दबा लो ताकि आप हमारी डेली अपडेट मिस ना कर सको। ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, हमें पता है शूटिंग एक दिन में नहीं होती, इस वीडियो को इंजॉय करेंगे। तो व्यूवर्स, अभी तक आपने 44 की मिस्टेक वीडियो नहीं देखी बब्बन खाला की तो ये वाली भी देख लें, और 45 की मिस्टेक वीडियो भी नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें। व्यूवर्स, अभी तक आप लोगों ने 46 की मिस्टेक वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें, इनका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिस्टेक नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बब्बन खाला है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप लोगों को एक दरवाज़ा दिख रहा है। लेकिन व्यूवर्स, आप लोग यहाँ पे दूसरे ही सीन में देखेंगे तो कि यहाँ पे बब्बन खाला के पीछे आप लोगों को एक खिड़की देखने को मिलेगी। तो व्यूवर्स, ये खिड़की के पास जाकर सीन शूट हुआ है। तो व्यूवर्स, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो व्यूवर्स, हम चलते हैं अपनी मिस्टेक नंबर 2 की तरफ। तो व्यूवर, जो मिस्टेक नंबर 2 है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे नजमा आंटी बैठी हुई हैं। लेकिन व्यूवर्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ्लावर्स पड़े हुए हैं बिल्कुल इनके बैकग्राउंड में, पीछे इनकी साइड पे। लेकिन दूसरा ही जैसे ही सीन आता है तो आप लोग देख ही सकते हो कि वो फ्लावर्स कैसे दिख रहे हैं, कोई भी पीछे फ्लावर्स नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही कोई चीज़ पड़ी हुई है। तो वीडियो, तो फ्रेंड्स, चलते हैं मिस्टेक नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो मिस्टेक नंबर 3 है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बब्बन खाला बैठी हुई हैं और यहाँ पे नजमा आंटी बैठी हुई हैं। लेकिन व्यूवर्स, ये जो आप लोग देख सकते हैं इनका सोफ़ा, इसका कलर भी आप लोग देख सकते हैं और ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन व्यूवर्स, आप लोग इसके जो सोफ़े का कलर भी चेंज हो जाता है और बिल्कुल ये बैग जो होता है बिल्कुल ये बिल्कुल इनके सामने आ जाती है चीज़। तो व्यूवर्स, चलते हैं मिस्टेक नंबर 4 की तरफ। तो व्यूवर्स, जो मिस्टेक नंबर 4 है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आंटी बैठी हुई हैं, इनके आप लोग देख सकते हैं लिपस्टिक का कलर, आप लोग यहाँ पे इन्होंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई हुई। लेकिन व्यूवर, जैसे दूसरी तरफ आते हैं तो ये आप लोग इसके सीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल इसके होंठों में लिपस्टिक लगी होती है। तो व्यूवर्स, ये बहुत बड़ी बिग मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है। तो व्यूवर्स, चलते हैं मिस्टेक नंबर 5 की तरफ। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मिस्टेक नंबर 5 है जो आप लोग इस लड़की के बिल्कुल बैकग्राउंड में देख सकते हो कि आप लोगों को किस तरह का बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन व्यूवर्स, जैसे ही आप इसके दूसरे सीन में देखेंगे, जैसे ही कैमरा व्यू लेता है तो आप लोग देख सकते हो इसके पीछे वो कोई चीज़ नहीं होती, बिल्कुल टोटल ही बैकग्राउंड तब्दील हो जाता है, इसके पीछे कोई चीज़ पड़ी ही नहीं होती। तो व्यूवर्स, ये भी बहुत बड़ी गलती है। तो व्यूवर्स, चलते हैं मिस्टेक नंबर 6 की तरफ। तो व्यूवर्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पप्पू के मोबाइल में ये तस्वीर चल रही है, लेकिन आप इसके पीछे देख सकते हो ये जो चादर सी पड़ी हुई है, आप लोग ये देख सकते हो इसका कलर किस तरह का है। लेकिन व्यूवर, जैसे दूसरी तरफ से कैमरा व्यू लेता है तो ये बिल्कुल ही टोटल ही उसका कलर ही चेंज हो जाता है और वहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं। और व्यूवर्स, दूसरा आप लोग, हम चलते हैं मिस्टेक नंबर 7 की तरफ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक चर्सी बैठा हुआ है और इस चर्सी के हाथ में आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा सिगरेट पी चुका है ये वाला चर्सी, आप लोग देख ही सकते हो कितनी सी रह गई है। लेकिन जैसे दूसरी तरफ से कैमरा व्यू लेता है तो ये अभी भी उतनी की उतनी और ज़्यादा जली हुई दिखाई देती है। तो व्यूवर्स, ये आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब देना, बेल के आइकन को दबा देना। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।